हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैक्ट इन फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कंपैरिजन, जो कि हम सबके दिमाग में होता है, लेकिन हम लोग चूँकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते तो हम कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो आज फाइनली, चूँकि मैं भी उस कंडीशन से गुजरा, मैंने भी सस्ते के चक्कर में ख़राब चीज़ खरीदी, लेकिन आज मैं उस बदलाव को समझ सकता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मेरा कंपैरिजन है, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वह बेसिक मोबाइल से रिलेटेड। हमें कभी कई बार बेसिक मोबाइल की ज़रूरत होती है और हम चाहते हैं कि कम कीमत में बेसिक फ़ोन आ जाए, जिसमें सारे के सारे फीचर्स हों, हमारा काम भी चल जाए, FM भी सुन लें, गाने भी सुन लें और सस्ते में काम चल जाए। तो इसी सोच के साथ दोस्तों, मैंने इंटेक्स का ये वाला एक फ़ोन मंगाया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी बेसिक फ़ोन लेने की, जिसमें 1000 रुपये तक में मुझे एक बेसिक फ़ोन मिल जाए जिसमें सारे के सारे फीचर हों। तो दोस्तों, मैंने इंटेक्स का ये वाला फ़ोन मंगा लिया। ये मॉडल था इंटेक्स इको 105X। तो दोस्तों, मंगा तो लिया मैंने, अब मैं इसको यूज़ भी करता रहा, लेकिन दोस्तों मुझे इसमें बहुत सारी तकलीफ़ देखने को मिली। जैसे कि इसकी जो बैटरी बैकअप था वो ना के बराबर था, ये हार्डली 10-12 घंटे के बाद इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी। दूसरी चीज़, इसमें जो हमारे 3.5mm जैक होता है, वो इसमें वाला दिखाते तो इसमें 3.mm जैक की सपोर्ट है, लेकिन इसमें जो नॉर्मल लीड होती है, जो अच्छी लीड्स होती हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करती। जो सस्ते वाले लीड होती हैं, चीप लीड्स होती हैं, वो इसको सपोर्ट करती हैं। दूसरी चीज़ में देखने को मिली, जैसे आप इसको वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको केवल 3GB फाइल इसमें चलती हैं, MP4 फाइल इसमें चलती नहीं है। और इसमें जैसे गानों की लिस्ट है, गानों की लिस्ट इसमें सुननी होती है, इसके अंदर मैनेजर भी नहीं होते हैं, फाइल मैनेजर्स भी नहीं होते हैं, फाइल मैनेजर्स होते हैं उसमें गाने ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के इसको ख़रीदना मेरे लिए एक नुकसान को सौदा रहा। और जब मैं इससे पूरी तरह तंग आ गया तो दोस्तों, फिर मैंने सैमसंग गुरु ड्योज FM रेडियो का ये फ़ोन मैंने ऑनलाइन ख़रीदा। ये मात्र मुझे 1600 रुपये में मिला, लेकिन इसके जो फीचर्स थे, इसमें सिंपल दो सिम कार्ड सपोर्ट करता था और इसके अंदर FM सपोर्ट करता था और इसके साथ एक लीड भी आ गई थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसको पिछले एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ देखने को नहीं मिली। इसमें FM बहुत मस्त चलता है, इसके साथ जो लीड मिली उसकी मार्केट कॉस्ट, अगर जो ओरिजिनल कॉस्ट देखोगे, ओरिजिनल सैमसंग की लीड मिली है, उसकी मार्केट कॉस्ट आप 500 रुपये से कम वो मिलेगी नहीं। तो 500 रुपये तो वो हो गए, 1600 रुपये में से 500 वो माइनस हुए, 1100 बचे। 1100 रुपये में इसकी ऑसम बैटरी क्वालिटी है, FM क्वालिटी, कॉलिंग क्वालिटी, हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट है कि ये वाला फ़ोन इसके सामने बोना है। ये मान लीजिए कि ये फ़ोन IES है तो ये फ़ोन पियोन है। तो दोस्तों, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों, सस्ते के चक्कर में कभी मत जाइए। कभी भी आप फ़ोन लो तो अच्छा फ़ोन लो, ब्रांडेड फ़ोन लो। मैं ये नहीं कहता सैमसंग लो, रेडमी लो, नोकिया लो, कुछ भी लो, ब्रांडेड लो, क्योंकि जो ब्रांड है वो आपसे पैसे लेती है, लेकिन वो अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, कस्टमर बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और एक दोस्तों, एक बात तो बताना भूल ही गया, इसका चार्जर जो है, जैसे इसके चार्जर की 6 महीने की वारंटी थी, जैसे 6 महीने ख़त्म हुए इसका चार्जर ख़त्म हो गया। ये देखिए, मैं इसको 4GB सैमसंग के चार्जर से कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कुल मिला के सस्ते प्रोडक्ट की तरफ मत जाइए, हमेशा अच्छी चीज़ लीजिए, चाहे थोड़े इंतज़ार के बाद कीजिए, चाहे आप EMI पे लीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन हो तो मुझे बताइए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।